रीवा में जिला स्तरीय रोजगार मेला हुआ। इस मेले में 1749 लोगों को 48 करोड़ रुपए का लोन और अनुदान दिया गया। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत 714 युवाओं को नौकरी मिली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधायक त्योंथर श्री श्यामलाल द्विवेदी ने कहा कि सरकार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। युवाओं को इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। लगातार मेहनत करने से सफलता जरूर मिलेगी। जिले के कई युवाओं ने योजनाओं का लाभ उठाकर उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने आर्थिक आज़ादी हासिल की है और हर महीने अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने 10 से 15 लोगों को रोजगार भी दिया है। युवाओं को नशे से बचना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। विधायक प्रतिनिधि सिरमौर श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षित युवाओं को नौकरी के पीछे भागने के बजाय अपना उद्यम स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर बैंक से लोन मिलने में कोई कठिनाई हो तो उसे दूर किया जाएगा। जिन योजनाओं में सरकार लोन की गारंटी दे रही है, उन योजनाओं में बैंक हितग्राही की संपत्ति गिरवी रखने की शर्त न रखें। बैंक मैनेजर श्री एम के निगम ने कहा कि अच्छे लोन के मामलों को तुरंत मंजूरी दी जाएगी। बैंक की सफलता हितग्राही के उद्यम की सफलता पर निर्भर करती है। बैंक से मिले पैसों का सही इस्तेमाल करें। जिला महाप्रबंधक उद्योग श्री जेपी तिवारी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 168 करोड़ 44 लाख रुपए के लोन बांटे गए हैं। रोजगार मेले में 6529 लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार मेले में उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। रोजगार मेले में उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं से 58 हितग्राहियों को 6 करोड़ 20 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। समारोह में 8 उद्यम इकाइयों का उद्घाटन किया गया। समारोह में सफल उद्यमी विपिन निगम, अंकित तिवारी, उत्कर्ष त्रिपाठी और मितेश देव ने अपनी सफलता की कहानी सुनाई। समारोह में जिला पंचायत की उद्योग एवं सहकारिता समिति की अध्यक्ष डॉक्टर संगीता सोनल शर्मा, उद्यान निरीक्षक श्री एसएन शर्मा, सीईओ अंत्यावसाई, सहकारी समिति श्री एमपी पाठक तथा बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।